है। मैं BRS ग्लोबल स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और आज मैं आपको अपना रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट दिखाऊंगी। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है टॉक टू मी और उसमें आप जो भी लिखेंगे वो अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं तो आप लिखेंगे और वही आपको स्पीकर बोलेगा। तो चलिए हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करेंगे। जैसे ही हम लोग गूगल क्रोम में जाएं तो सबसे पहले हमें कोड टू प्ले वेबसाइट पर लॉगिन करना है। उसके बाद स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट को दबा के अपने प्रोजेक्ट का एक नाम देना है। जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम टॉक टू मी दिया हुआ है, आप भी कोई वैसा नाम दे सकते हैं जो आपको बहुत ही पसंद हो। टॉक टू मी इसलिए दिया है कि वो हमसे बात करेगा। और अब हम लोग सबसे पहली चीज़ हमें करनी है वो है स्क्रीन वन पे जाना है। स्क्रीन वन पर जाकर के आपको अपना टाइटल चेंज करना है। टाइटल में आप टॉक टू मी डाल दीजिए और या फिर जो भी आप चाहें। और उसके बाद हमें सबसे पहले से यहाँ पे और कुछ चेंज नहीं करना है वैसे, और हमें यहाँ पे एक आइकन डाल सकते हैं। आप कोई भी आइकन अपने कंप्यूटर से चूज करके डाल सकते हैं। और जहाँ तक हमें बैकग्राउंड कलर का है तो बैकग्राउंड में चाहे आप कोई कलर डालें और या फिर एक इमेज, जैसे मैंने यहाँ पर अपना इमेज डाला है एक फ्रोजन इमेज का, तो वैसे आप भी कोई इमेज डाल सकते हैं। और एसेंट कलर के आप कियान डाल सकते हैं। अबाउट स्क्रीन में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन, और नहीं तो वो नीडेड नहीं है एक्चुअली। और उसके बाद सबसे पहले हमें स्पीक बटन लेना है, तो बटन को हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और बटन को हमें रीनेम करना है स्पीक पे, सबसे पहले कॉम्पोनेंट्स पे और फिर प्रॉपर्टीज पे। दोनों जगह हमें उसे जैसे ही रीनेम कर लेते हैं स्पीक पे, तो उसके बाद सबसे पहले हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना है। टेक्स्ट बॉक्स को हम चाहे तो टेक्स्ट बॉक्स, तो फिर उस टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग कलर उसका चेंज कर सकते हैं। और कुछ चेंज करने की ज़रूरत वैसे है नहीं। और स्पीक का भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने मैग्नेटा डाला है क्योंकि ये मेरे बैकग्राउंड पे भी सूट करेगा। और उसका टेक्स्ट टू स्पीक जो एक नॉन विजिबल कॉम्पोनेंट है जो आपको दिखाई नहीं देगा, पर वो होगा, वो नीचे यहाँ पर एक नॉन विजिबल कॉम्पोनेंट का आइकन रहेगा, वहीं पर वो दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर भी ये दिखाई देगा कॉम्पोनेंट्स में, तो टेक्स्ट टू स्पीच इधर है, आप जो लिखेंगे वो बोलेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं करना है। तो हमारा ये डिज़ाइनर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर ब्लॉक्स पे जाना चाहिए। तो हमारे ब्लॉक्स पे हमें बस छोटी सी चीज़ करनी है, वो है सबसे पहले स्पीक बटन। जब हम स्पीक बटन को क्लिक करें तो क्या होगा, और उसके बाद ये है टेक्स्ट टू स्पीच। तो टेक्स्ट स्पीच अगर उनको क्लिक करें तो जो टेक्स्ट होगा वो बोलेगा, इसलिए उसमें लिखा है टेक्स्ट टू स्पीच। तो जब हम स्पीच लोगों को ऐसे क्लिक करेंगे उसके बाद जो हम लोग लिखेंगे वो बोलेगा, और उसका मैसेज वही होगा जो टेक्स्ट बॉक्स में, मतलब जहाँ पे हम लिखेंगे और वही उसका मैसेज होगा जो टेक्स्ट के जरिए, और उस जरिए हमें वो मिलेगा। तो यही था हमारा प्रोजेक्ट। उसके लिए थैंक यू आप लोगों का मेरे प्रोजेक्ट को देखने के लिए। और अब मैं इसके यूजर्स बताऊंगी, मतलब इससे हमें क्या क्या लाभ है। सबसे पहला लाभ है कि हम लोग अगर कुछ किसी को कुछ बोलना ना हो, आप नहीं चाहते कि आपको आज कुछ बोलना है तो आप लिख सकते हो इस यहाँ पे, और जो आप लिखेंगे वही आपको यहाँ पे वो बोलेगा। तो उस हिसाब से अभी मैं आपको अपना ऐप दिखाऊंगी। उस आपको यहाँ पे बिल पे जाकर के ऐप प्रोवाइड QR कोड पर APK को दबाना है, फिर आपको अपना ये स्कैन करना है और आप एक ऐप बना सकते हैं। मैं अभी इसको डालूंगी। तो गाइस अब आप मेरा ऐप देख सकते हो, इंस्टॉल हो चुका है, बस मुझे उसे ओपन दबाना है। मैंने ओपन दबाया तो ये मुझे स्क्रीन बैकग्राउंड आएगा, ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये स्पीक है। तो मैं जैसे यहाँ पर लिखूंगी, चाहे मैं किसी भी लैंग्वेज में लिखूं, नमस्ते, मैंने नमस्ते लिखा और वो ये बोल रहा है नमस्ते। और मैं लिखूंगी आप यूँ कैसे हो। हाँ, तो मैंने ये लिखा तो मुझे मिल रहा। तो जो मैं ये लिखूंगी वो बताएगा, तो वही अगर मैं इंग्लिश में लिखूँ तो उसमें दिखाएगा जैसे हाय, धन्यवाद हाय। तो मैं यहाँ पर जो लिखूंगी ये बोलता है हाय। तो आप जिस भी लैंग्वेज में ऐसे लिखें तो वो आपको बताएगा कि आपने क्या लिखा है। तो आप इस ऐप के जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिखो तो आपको ये बोलेगा। तो इस हिसाब से ये ऐप आपके लिए यूज़फुल होगा। आप इस ऐप को बनाने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।